शापित गांव है, भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है ये। रामगढ़ के पास में है, नहीं यहाँ किला नहीं है, यहाँ यही है केवल, ये जो मकान बने हुए है ना यही है। और लोग आज भी कहते हैं कि रात में यहाँ कोई रहते नहीं है, रात में भूतों का निवास है यहाँ। वो जाने इसकी मान्यता तो इसकी, वो जाने के लोग क्या आके देखते हैं कुदर के अंदर क्या है, पर ये तो बाबू जी सत्यान है यहाँ पे कुदर में। जो लोग बोलते हैं ना भूतिया बने, भूत तो आज के समय में इंसान से बड़े कोई है ही नहीं है। जो आप लोग पता है इस गांव का नाम कुलदरा है, कुलदर जैसे हमारे जैसलमेर जिले के अंदर जी 100 किलोमीटर के बीच में असली में भाई चुड़िया सी गांव नहीं थे, चुड़िया सी खेड़े थे, खेड़े थे। देना देना तो नहीं देने वाला जाता, मैं नहीं किसी से का दिल नहीं दुखाता हूँ, नहीं किसी से मांगता हूँ। कुलदर जैसे चुड़िया सी खेड़े थे, खेड़े का मतलब क्या हुआ, उसी समय में 7 गांव मिलता है तभी खेरा बना। मैं कथा सुना रहा हूँ, चुड़िया सी खेड़े जाति पाले वाले ब्राह्मण लोग, पाले वाले ब्राह्मण लोग, और चुड़िया सी खेड़े में से जी उसी समय में सबसे गांव बड़ा कुलधर सबसे बड़ा। अरे इसकी कथा को समय कितना हो गया बोल, मैं अभी 300 साल से समय लग रहा है, बहुत पुराने समय से। चुड़िया सी खेड़े जाति पाले वार ब्राह्मण गोत्र, चुड़िया सी खेड़े में से सबसे बड़ा गांव कुलधर ही रखा पाए। हमारे जैसलमेर दरबार साहब, जैसलमेर के हमारे राजा, आज भी ठाकुर जी की दया से हमारा पोता मौजूद है, वो जाति का भाटी है। राजा का एक दीवान लिखा हुआ था जी सालम सिंह नाम करके, हवेली है जैसलमेर के अंदर। बड़ा सालम सिंह कोई राजपूत नहीं थे, वो छोटी जाति के थे, कोई बढ़िया बना सकता। लेकिन राजपूत को आप क्या करो जी, कोई समय बलवा तो आ जाता है, वो बंदा थोड़े घने समय में करते 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 वो जी सालम जी था, सालम सिंह बन गया। ठीक है, इतना उसके पास आलू कुमत आ गया जी, इतना वो बड़ा हो गया, जैसलमेरी पब्लिक को दुख देने लग गया, जैसलमेरी पब्लिक से भला बुरा अपना मन माना अत्याचार करने लग गया, कभी कभी खुद राजा से भी कथा सुना जी, बिकाने वाले नहीं, छिपाने वाले नहीं, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, वो जाने मेरी जन्म भूमि है, मैं यहाँ से जन्म है, मैंने यही मिट्टी खाया है। ठीक है, तो क्या हुआ जी, इस तरीके से सालम जी हो गए, सालम सिंह आए कुलधर के अंदर। कुलधर के अंदर मैं पालेवार ब्राह्मण के घर में मेरी माता ने जिले में की पाया शक्ति, मान लो 10-12 साल की कन्या सेवा करती, सालम सिंह ने कुलधर में देख लिया तो बोला इसी लड़की से ही हम शादी करते। बड़ा सच्चा समय था, अभी के जैसा समय नहीं था। पाले वाला ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा जी, पाले वाले बोला सालम सिंह तू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, पीछे तरह गोत्र सम्मान में तू राजपूत नहीं है, मारा धर्म सबसे अलग है, भैया मैं पाले वाल ब्राह्मण हूँ, मारी कन्या तेरे को नहीं दे, उसके पास पाव ज्यादा था। सालम सिंह बोल रहा है अपनी खुशी से अपनी रजा से ये किन्या दोगे तब भी ठीक है, अगर रजा खुशी से नहीं दोगे तो यही भैया शादी लायक होगा, तब हम आएंगे जबर छूटा के जाएंगे शादी इसी लड़की से करेंगे। ठीक है, पर बोला सालम सिंह जबराहट पकड़ा, लेकिन आपको मालूम है हमारी समाज के जैसलमेर जिले के अंदर 100 किलोमीटर के बीच में हमारा गाँव कितने पाले वाला ब्राह्मण के बोल,
बोलो चुड़िया सी खेड़े बड़ा खेड़ा का मतलब क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गांव बड़ा गांव सात गांव में हाँ। सबसे बड़ा गांव कौन है? कुलदर सबसे बड़ा तू है तो भैया तू ही कर माना। दस रोज का समय दे दे, बड़ा समय का मतलब टाइम, दस रोज का माना समय दे दे। मारे जैसलमेर से कोई दूर गांव नहीं है, मैं मारे चुड़ियासी भाई में ऐलान फेरेंगे, मारे चुड़ियासी खेले के मुखिए भाई तड़वाएंगे मैं पाले वाले यहाँ पे। कहानी मीटिंग के अंदर जो कोई मारा सत बाज गया मैं पाले वाला का, तो देख लेना मैं सालम सिंह आपको जवाब दूंगा। अगर मारा कोई सत पाले वाला का मीटिंग के अंदर नहीं बाजा तो बाद में तू बड़ो आदमी है, तेरे मन मन काम कर ले, लेकिन माना दस रोज में कोई समय तो दे बोले जाओ। ये अपने दस रोज का समय अपने भाइयों को तड़वाओ, अपना मीटिंग मीटिंग बना लो और उसी के बाद में हम देख लेंगे। तो क्या हुआ उसी समय में ये बाइक लानी गाड़ियाँ राजा कोई नहीं थी, उसी समय के अंदर कोई बाइक नहीं थी, कोई अमीर गरीब के घर में चढ़वा के लिए ऊँच उठे अपने घर से खेत से भजनदार। अभी आप अंदर पधारोगे मंदिर के इस बाजू में काठ की लकड़ी गिराज के अंदर खड़ी है गाड़ा वो गवर्नमेंट ने बाया सिंपल बताई उसी समय में वो ही गाड़ियाँ थी। ठीक है, एक बंदा घोड़े चाड़ के उन्होंने सतिया ने रवाना किया है अभी कुलदर से। ए भैया कथा सुन, यही अपना तारीख है, यही अपना बार है। अपने चुड़ियासी भाई में ऐलान फिर क्या हो के सालम जी ने गेट पकड़ करके, हाँ जी आप लोगों को किस तरीके से आना है, जैसे अपने चुड़ियासी खेड़े के मुखी भाई आओ यहाँ पे मीटिंग मीटिंग बनाओ भैया क्या खाओगे पादेवा। चुड़ियासी भाई आके उन्होंने मीटिंग मनाया, पांचे पाते भाई आके बैठे पालेवार, तब बोले जी बोलो पालेवार क्या करोगे बोलो। सालम सिंह का ये अच्छा देख लो ऐसे करो भैया, ये सालम जी बड़ा बदमाश आदमी, जैसलमेर की पब्लिक को दुख दे रहा है लेकिन खुद राजा से जुअते कर रहा है, अपने को कभी नहीं मानेगा, अपना सत्य हारा जाएगा। जैसलमेर जिले के अंदर पालेवार ब्राह्मण गोत्र चुड़ियासी खेड़े कितने समय के अंदर, एक रात के समय में, अरे बाप जी देश देश उतार रहना है लेकिन पालेवार देश छोड़ना है सत्य नहीं छोड़ना जाना है। तो अभी वापस आ रहे हैं।